चलो निभा चुप 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 उधर चुप चुप यही से मम्मा की आवाज आई थी मैं यहाँ आया था और मम्मा ने ना मम्मा ने मेरे प्यारी सिलोरी सुनाई और वो फिर बताया कि मुझसे गुस्सा है वो टेप रिकॉर्डर से आई थी मम्मा वाले कौन गई ये देखो अरे पर यो टेप तो घिस गई है ना भाई आई थी दादू सच्ची आवाज आई थी मम्मा ने लूरी सुनाई थी दिखाओ 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 भाई ना देखो अब ना मम्मा बोलेंगी मम्मा कुछ बोलो ना अरे मम्मा थारी से नाराज मैंने मम्मा की कसम तोड़ी थी जिसने मम्मा नाराज थी प्लस बंदी ने मम्मा वाले कपड़े नहीं पहने उनकी ज्वेलरी नहीं पड़ी मम्मा और नाराज हो गई ऐसे 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 2+2=4 हो गया मम्मा का गुस्सा वो बाबला उस टेप से अपना सिर फोड़ रहा होगा लेकिन उसे पता नहीं है कि टेप बदल गई है लोरी वाली टेप तो ये है शांति कर जा तू दादू आपको ये मम्मा वाले स्टार गोल्डन बलून याद है मम्मा कैसे बचपन में ऐसे 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 लगाती थी ना आज तक दादू बिल्कुल वैसे पूरे कॉरिडोर में ऐसे लाइन से लगाए थे बलून यू यू वाले एक 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 करके ऐसे निकाले थे मैंने काश मैंने युवान को कसम लेने के लिए कहा ही ना होता पर अब जो कुछ हुआ है कुछ कोई तो हल निकालना होगा कैसे सुधारूं इसे प्लीज ये जो अच्छी बहू बनने का नाटक तुम पूरे परिवार के सामने कर रही हो ना मेरे सामने मत करो आज मैं यहां अपने लिए ना आई हूं मैं तो आपके गुस्से के शांत होने का सबर कर सकूं पर आपका बेटा ना कर पाएगा इसलिए मैं आज आपके सामने हाथ जोड़ने आई हूं कि उसे जरूरत है आपकी क्या हुआ युवान को इसमें से अब भी आवाज नहीं आ रही मम्मा पर तभी आई थी सच्ची आपको पता है ना इसमें से आवाज आ रही थी आप बोल रही थी पर अब क्यों नहीं आ रही फिर युवान पे उसकी माँ की नाराज होने वाली बात का इतना गहरा असर हुआ है कि आज उसने मुंह दिखाई पे सबके सामने मारी चूड़ियां तोड़ दी माफ कीजिएगा पर मैं आपसे हमदर्दी पाने के लिए ये चोटें ना दिखा रही बस युवान के अंदर के दर्द का एहसास दिलाना चाह रही आज युवान ने उस इंसान को चोटें पहुंचाई जिसे वो कभी चोट नहीं देना चाहता था ये दर्द युवान ने खुद अपने ऊपर लिया है युवान को शांत कैसे करूं कैसे समझाऊं उसे युवान युवान इतनी छोटी सी बात पे परेशान हो गया बेटा अच्छा एक बात बताओ बचपन में जब युवान और पापा बहुत सारी शरारत करते थे तब हम मम्मा को कैसे मनाते थे
वाली ट्रिक, वो वाली ट्रिक लगाएं, मामा मान जाएंगे। चलो देखा कितना आसान था, मम्मा ने युवान को माफ कर दिया। मम्मा मान गए? हाँ देख, मम्मा स्माइल कर रही है म्यूजिक सुन के। शाबाश बेटा। दादा साहब, न जाने युवान कब से अपनी माँ की कसम वाली बात को लेकर परेशान था, कितना बड़ा बोझ लेकर घूम रहा था, और आपने भी हरि से ये बात छुपा के रखी। बन दादो साहब, आगे से अगर आपने युवान से जुड़ी कोई भी बात हमारे से छुपाई ना, तो ठीक ना होगा, वायदा कीजिए। दादू, पापा ने बोला कि मम्मा मान गई, उन्होंने युवान को माफ कर दिया। मैं कभी नहीं आता बन्नी, क्योंकि मैं तुम्हारा सच जानता हूं, लेकिन मैं युवान का बाप हूं, और एक बाप अपने बेटे की तकलीफ देख के मजबूर है। ये तो सारा गेम ही उल्टा हो गया। इस बावले को तो पता चल गया कि इसकी मम्मी ने मरवाने से नाराज नहीं है, अब क्या? इतनी आसानी से माँ माफ नहीं करती युवान, और ये बात तुम बहुत जल्दी जान जाओगे। युवान, तुमने मारे से अपनी माँ की कसम वाली बात छुपाई क्यों? वो बन्नी दुल्हन तुम नहीं हो ना इस घर में, ऐसे नई दुल्हन बन के आई हो ना युवान की, तो मुझे ना तुम्हें परेशान नहीं करना था, तुम्हें ऐसे 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 परेशान नहीं करना था, इसलिए नहीं बताया। पर युवान, जब हम दोनों में, मैं और तुम ना, सिर्फ हमें, तो फिर हम एक दूसरे से ऐसी बातें छुपा कैसे सकते? युवान, आगे से ना हम एक दूसरे से ऐसी बातें बिल्कुल ना छुपावेंगे, जो कुछ भी होगा सारी बात एक दूसरे को बताएंगे। पक्का। युवान, जब थारा सुख मारा सुख है, तो थारा दुख भी मारा दुख हुआ ना, है ना? युवान का दुख बन्नी दुल्हन का दुख, और बन्नी दुल्हन का दुख युवान का दुख।
ये तो बहुत बहुत ज्यादा दुख रहा होगा ना बड़ी दुल्हन, यहाँ पर भी ये सब बहुत दुख रहा होगा ना तुम्हें? ना युवान, लेकिन युवान ने तो एकदम उल्टा कर दिया, मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दी। सॉरी सॉरी बड़ी दुल्हन। ना युवान, हारे से ज्यादा प्यार करने वाला पति तो बन्नी दुल्हन को कभी मिली ना सके, बल्कि माफी तो मारे को मांगनी चाहिए थी जो मैंने थारी माँ के कपड़े ना पहने, पर अब मैं पहनूंगी। सच्ची? तुम पहनोगी? पता है युवान, बन्नी के जिंदगी में ना इन दो चीजों की सबसे घनी कमी थी, एक प्यार और एक अच्छा सा परिवार। अब प्यार तुम्हारे को थारे से मिल गया, पर दादू सा, मायरा, दादी बुआ सा से हमारे को इतना लाड और आशीर्वाद मिला है ना, और ये सब कुछ हमारी जिंदगी में थारी वजह से है। तो तुमने तो अपने वो सात फेरों के सभी वचन निभाए हैं, तो इसलिए थारा कुछ भी कहा, कुछ भी किया, हमारे को कभी ना छुएगा। नहीं, नहीं, पर मुझे ना पता है बन्नी दुल्हन, वहाँ नीचे लोग तुम पे हंसे होंगे ना, ऐसे कह के कि अरे ये बन्नी दुल्हन का तो वो भाग के कितना कितना गंदा भाग्य है, इसका तो पति इसे चोट पहुँचाता है। मतलब मुझ पे हंसते ना तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, वो मैं थोड़ा सा अलग हूँ ना, इसीलिए चलता है। लेकिन तुम तो होशियार हो ना। ना युवान, गलत है कि कोई किसी पर भी हंसे, एकदम गलत। अरे को तो बहुत बुरा लगे जब कोई भी थारे पे हंसता है ना, थारा मजाक उड़ाता है, कोई थारा या मारा या हमारा हमारे रिश्ते पे कोई हंसे है ना तो बहुत गुस्सा आता है। बहुत कर ली इन लोगों ने अपने मन की, अब हमारा पत्नी वाला वचन निभाने का टाइम आ गया है। अब अपने युवान को इस घर में उसका वो स्थान दिलवाना है जिसका वो हकदार है, और ये मैं करके रहूंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।